मिश्रा, आई एम 22 इयर्स ओल्ड. मैंने जब स्टॉक मार्केट स्टार्ट किया था तो कोई रीज़न नहीं था, जस्ट मेरे को स्टडी में इंटरेस्ट नहीं था एंड मैंने स्टॉक मार्केट देखना स्टार्ट किया. मैंने अपने फादर से फंड कलेक्ट किया एंड मैं उसे लॉस मैंने उस हैवी लॉस में चला गया एंड मैं टेक टॉक्स वगैरह देखता था. तो वहाँ से मेरे को ये अगर आप अपनी स्टडी पे इन्वेस्टमेंट करते हो तो उधर से आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा. एंड लॉस के बाद मैंने काफ़ी स्टार्टिंग पीरियड में ही मैंने पहले सोचा कुछ इस पर टेक्निकल जो भी मैं ट्रेड लेता था तो ये गैम्बल करता था. मे बी 50-50 चांसेस रहता था प्रॉफिट. अगर प्रॉफिट हो रहा तो उसका भी लॉजिक समझ में नहीं आता, लॉस होता उसका भी लॉजिक समझ में आता. मेरा प्रॉफिट एंड लॉस का रेशियो था 90% में सही होता था ट्रेड, फिर भी मैं एंड ऑफ द डे मैं लॉस में जाता था क्योंकि प्रॉफिट माइनर रहता और लॉस मेजर रहता. कोई लॉजिक रहता ही नहीं था मैं क्यों ट्रेड ले रहा हूँ क्यों ना लूँ. मैंने 3 डेज की लाइव इंट्राडे क्लास की तो मेरे को रीजन टेक्निकल एनालिसिस समझ में आए जो मैं ट्रेड क्यों लूँ और क्यों ना लूँ एंड ट्रेड से कब मेरे को एग्जिट करना है, स्टॉप लॉस क्या रहेगा एंड मतलब एक कंप्लीट नॉलेज हो किस बेस पे मैं ले रहा हूँ. मेरे को ये कॉन्फिडेंस मिला है ये 3 डेज के लाइव क्लास करके. थैंक यू.